दक्षिण भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जो वायरस फैलने को लेकर हाई रिस्क पर रहता है। अगर बात करें साल 2020 की, तो कोरोना वायरस की शुरुआत भी केरल से ही हुई थी। अब वहीं एक बार फिर निपा वायरस देश भर में चिंता का विषय बना हुआ है। केरल में निपा वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से 2 मरीजों की मौत हो गई है और एक 9 साल का बच्चा आईसीयू में है। जानकारी के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपा वायरस की पुष्टि हुई है और इसी के साथ केरल में निपा के अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। सरकार ने बीते कल कुछ स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए और 7 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं केरल सरकार ने कहा कि लोगों को निपाह संक्रमण से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सावधानी बरतनी है। सरकार ने बताया कि राज्य में मिले वायरस का स्वरूप बांग्लादेश में मौजूद वायरस के वेरिएंट से मिलता जुलता है, जो इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसकी मृत्यु दर भी अधिक है, हालांकि यह वायरस कम संक्रामक है। इन सबके बीच केरल सरकार ने आम लोगों को एडवाइजरी जारी कर अनावश्यक यात्राओं से बचने के लिए कहा। निपा वायरस पर काबू पाने के लिए ICMR NIV पुणे स्ट्रेन पर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक में भी अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जिले में केरल से आने वाले फलों की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने कर्नाटक में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें आम जनता को केरल के प्रभावित इलाकों में सफर करने से बचने की सलाह दी गई है और सर्कुलर में अधिकारियों की केरल बॉर्डर से जुड़े जिलों कोडागु, दक्षिण कन्नड़, चामराजनगर और मैसूर में निगरानी तेज करने के भी आदेश दिए। जानते हैं क्या है बांग्लादेश वेरिएंट। बांग्लादेश वेरिएंट इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसकी वजह से ब्रेन को नुकसान पहुंचता है। संक्रमण की वजह से मौत की आशंका ज्यादा होती है। बता दें, बांग्लादेशी वेरिएंट की वजह से मौत की दर 70% है। ये निपा वायरस महामारी का रूप ले सकता है। फिलहाल बांग्लादेशी वेरिएंट की संक्रमणता कम है। जानते हैं कोझिकोड में बनाए गए 7 कंटेनमेंट जोन के बारे में। बता दें, कोझिकोड में निपा वायरस से पहली मौत 30 अगस्त और दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई। वायरस को लेकर केरल के 4 जिले कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम अलर्ट पर है। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ की 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शैलजा ने कहा कि निपाह वायरस से घबराने की जरूरत नहीं। कोझिकोड में 2018 में जितने हालात खराब थे, उतने अभी नहीं। तब यह वायरस हमारे लिए नया था और इससे निपटने का कोई अनुभव भी हमारे पास नहीं था। अब हमारे पास इसे रोकने के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद है। आपको बता दें कि कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में 2018 में निपा वायरस से 17 लोगों की मौत हुई और साल 2019 में निपा वायरस का मामला कोची में सामने आया था। वहीं 2021 में भी कोझिकोड में इसका एक केस सामने आया।